नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास बुलेटिन। अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। पूरे अफगानिस्तान में अब तालिबानियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है, जिसकी वजह से अब अफगानिस्तान में रहने वाले लोग वहां से निकलने की जद्दोजहद में लगे पड़े हैं और इसी कड़ी में विदेशों से आकर अफगानिस्तान में बसे लोग भी वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच बुलंदशहर का रहने वाला एक भारतीय नागरिक भी काबुल में फंसा हुआ है। युवक ने वीडियो के जरिए भारत सरकार से गुहार लगाई है कि उसे भारत सरकार की तरफ से वहां से निकाला जाए, जिसके बाद युवक के ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाई है कि किसी भी तरह युवक की भारत में वापसी कराई जाए। तो बता दें, लगातार भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह फंसे हुए भारतीयों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। और इसीलिए हालांकि दो दिन पहले भी एयर इंडिया का एक विमान भारतीयों को लेकर आया था काबुल से, और कल भी एक विमान भारतीयों को लेकर काबुल से जामनगर पहुंचा था गुजरात में। उसके बाद हिंडन एयरबेस पर भी एक विमान उतरा था। तो ऐसे में लगातार भारत सरकार जद्दोजहद कर रही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए, वहां से बुलाया जाए। और ऐसे में अब बुलंदशहर का एक युवक भी सरकार से गुहार लगा रहा है। हालांकि वीडियो बनाकर युवक ने गुहार लगाई है, उसके परिजन भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उसे वहां से निकाला जाए। लगातार बता दें, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के काबुल में फंसे हुए हैं, इसके लिए सरकार भी प्रयास लगातार कर रही है। ऐसे में परिजनों का, जो परिजन यहां पर हैं और जिनके लोग काबुल में फंसे हुए हैं, उनका भी रो रो कर बुरा हाल है और लगातार वो भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके उनके परिवार वालों को जल्द से जल्द वापस बुला लिया जाए। तो बता दें, काबुल में जब से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, तब से अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। कई देश के नागरिक वहां पर पिछले लंबे समय से फंसे हुए हैं। ऐसे में हर देश की सरकार जो है वो तमाम कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ बुलंदशहर से हमारे संवाददाता लोकेश कुमार जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से युवक सरकार से गुहार लगा रहा है वापस आने के लिए, क्या अभी तक परिवार की किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से युवक ने अभी वीडियो अपनी सोशल मीडिया पर वायरल करके और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है, जाहिर है कि जो परिजन है वो भी परेशान है जी। और इस समय जो हालात हैं अफगानिस्तान के, ये पूरी दुनिया देख रही है जी। वहां फंसे लोगों को जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा लाया जा रहा है, ऐसे में जो परिवार है उसकी भी उम्मीद है कि जो वो उसका परिवार का जो फंसा हुआ सदस्य है उसको भी वहां से जल्द भारत सरकार लेकर आए जी। लोकेश, क्या परिजनों की किसी प्रशासन के अधिकारी से बातचीत हुई है या फिर कहीं और बातचीत हुई है? क्योंकि देखिए, लगातार भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सभी जो फंसे भारतीय उनको वापस लाया जाए, तो क्या परिवार की तरफ से किसी अधिकारी से बातचीत की गई है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार परिवार कॉन्टेक्ट में है और जो सोशल मीडिया पर युवक के द्वारा जो वीडियो वायरल किया गया है, उस वीडियो को भी संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द उस युवक को भारत वापस लाने की जो तैयारी है वो भी शुरू की कर दी गई है। हालांकि जो परिवार है वो लगातार ये दुआ कर रहा है कि उसका जो सदस्य है जो वो सही सलामत वहां पर रहे। हालांकि जो सदस्य है उसने भी बताया था कि उसका जो पासपोर्ट है उसकी कंपनी के मालिक ने जब्त कर लिया है और वो दे नहीं रहा है और परिवार वालों से भी बात नहीं करने दे रहा है। लोकेश, क्या कोई जानकारी है कि ये जो युवक है वहां पर फंसा हुआ है वो कहां पर जॉब करता है, क्या काम करता है, किस तरह की नौकरी वो करता है? देखिए, वहां पर काबुल जो है, काबुल में वो काम करता है और काबुल में वो मजदूरी करता है। हालांकि अभी इतना नहीं पता है कि वो क्या काम कर रहा था वहां पर, क्योंकि जो परिजन है वो बहुत सहमे हुए हैं और लगातार मीडिया के कॉन्टेक्ट करने पर भी ज्यादा जानकारी वो नहीं दे पाए हैं जी। लोकेश, क्या इस बारे में कोई जानकारी है कि युवक पिछले कितने समय से वहां पर काम कर रहा है? अभी फिलहाल उसको 6 महीने वहां पर हुए हैं, हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है जी।
छह महीने से वो लगातार वहाँ पर काम कर रहा है, और जो उसके चार बच्चे हैं वो भी लगातार अपने पिताजी को लेकर टेंशन में है। यानी कि परिवार परिवार उसका यहाँ पर रहता है, वो अकेला वहाँ पर काबुल में नौकरी कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल, अकेला वहाँ पर वो नौकरी कर रहा है, परिवार यहाँ बुलंदशहर के पासों में रहता है जी। फिलहाल छह महीने से वो काबुल में अपना काम कर रहा था जी। चलिए लोकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर का युवक है जो पिछले छह महीने से काबुल में एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से पासपोर्ट भी इसका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो भी वीडियो के माध्यम से लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है। सरकार और प्रशासन से लगातार परिवार भी गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह उसको वापस लाया जा सके, क्योंकि तमाम भारतीय अभी भी ऐसे हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं और जिन्हें वापस लाने के लिए सरकार भी लगातार जद्दोजहद कर रही है। तो बता दें, काबुल में पिछले काफ़ी समय से लोग जो हैं, भारतीय लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार भी तमाम कोशिश कर रही है, हर प्रयास कर रही है सरकार कि जल्द से जल्द वहां फंसे भारतीयों को वापस अपने देश लाया जा सके। और ऐसे में अब बुलंदशहर के इस युवक का वीडियो इस समय सामने आ रहा है जो साफ तौर पर सरकार से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि युवक का ये भी कहना है कि वो जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में काम करता है, वो उसके मालिक ने पासपोर्ट भी जो है अपने पास रख लिया, पासपोर्ट देने से मना कर दिया है। तो ऐसे में मुश्किल और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है इसकी। तो इसीलिए उसने खुद वीडियो के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है। वीडियो बनाकर सरकार से गुहार लगाते हुए युवक ने कहा है कि जल्द से जल्द से अपने देश वापस भेज दिया जाए। खबर गाजीपुर से है, जहां तालिबानियों की तरफ से अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद वहां के हालात काफी खराब हो चुके हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान में बसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। गाजीपुर के कासिमाबाद तहसील के जयरामपुर निवासी गांव निवासी कन्हैया शर्मा काबुल में फंसे हुए हैं। जानकारी होने पर कन्हैया के गांव कासिमाबाद एसडीएम भारत भार्गव पहुंचे और एसडीएम ने व्हाट्सएप वीडियो के जरिए काबुल में फंसे कन्हैया से बातचीत भी की। और एसडीएम ने बताया कि कन्हैया काबुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित जगह पर हैं और उनका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है और आने वाले 25 अगस्त को कन्हैया भारत वापस आ सकते हैं। तो बता दें, गाजीपुर का भी एक युवक है कन्हैया जो काबुल में काम करता है। हालांकि एसडीएम भी को भी जब जानकारी मिली कि एक युवक काबुल में फंसा हुआ है और वहां पर परिजन परेशान है, तो एसडीएम भी खुद मिलने गए। एसडीएम ने व्हाट्सएप के जरिए फ़ोन पर बातचीत भी की और ऐसे में बताया कि काबुल से 5 किलोमीटर दूरी पर सुरक्षित कन्हैया रह रहा है और उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है और हो सकता है आने वाली 25 अगस्त को कन्हैया को वापस भारत लाया जाएगा। ऐसे में लगातार सरकार कोशिश कर रही है अपने लोगों को वापस लाने की। तो ऐसे में कन्हैया भी एक उन्हीं में से है जो काबुल में काम कर रहा है और वहां पर अब फंस गया है जब से तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, और हर कोई, हर रहने वाला वहां पर अपने देश जाने की अब गुहार लगा रहा है सरकार से कि किसी भी तरह वो वहां से सकुशल निकल जाए और अपने देश वापस चला जाए। इसीलिए गाजीपुर का भी रहने वाले कन्हैया ने भी गुहार लगाई है, परिवार भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह सुरक्षित कन्हैया को वापस लाया जा सके। ऐसे में एसडीएम भी कन्हैया के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे और एसडीएम ने व्हाट्सएप वीडियो के जरिए, कॉल के जरिए वहां पर फंसे कन्हैया से बातचीत भी की थी। ऐसे में एसडीएम ने यह जानकारी दी है कि कन्हैया काबुल से 5 किलोमीटर की दूरी पर सुरक्षित जगह पर रह रहा है और उनका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया गया है और आने वाली 25 अगस्त को कन्हैया को वापस भारत लाया जा सकता है। मेरे बड़े भाई कन्हैयालाल शर्मा जो है वहाँ पर पिछले महीने 16 जुलाई को काम मैकेनिकल फिटर के पद पे जो है काबुल में गए थे
मिली स्टील प्लांट में काम कर रहे थे, और अब दो तीन दिनों से ऐसा हालत वहाँ हो गया, तालिबानियों द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, गोला बारूद का प्रयोग करते हुए जनमानस को क्षतिपूर्ति की जा रही है, और जो है आम पब्लिक को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे वहाँ के लोग और हमारे भाई साहब भी जितने भी लोग उनके साथ गए हैं डरे सहमे हुए हैं, कहीं हमारे ऊपर भी ये जो है गोला बारूद का प्रयोग न किया जाए जिससे हमारी भी क्षति हो जाए और हम परिवार से बंद अच्छा। हो जाऊँ। ये बताइए, समय पड़े हुए हैं और हम लोग से परिवार से जब भी बात हो रही है यही आग्रह कर रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी यही आग्रह है कि यथाकुशल उनको सब परिवार में लाया जाए अपने देश को, और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको सही सलामत अपने घर को वापस और अपने देश को वापस लेके आवें। मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको अपने देश में बुलाया जाए। योगी जी और मोदी से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी भारतीयों को वहाँ से जल्द से जल्द बुलाया जाए। इसमें हमारा अभैध यंग कन्हैया शर्मा है, वही बहुत दुखी है, जल्द से जल्द हमारे देश में बुलाया जाए। ये कौन लोग हैं और कहाँ के लोग हैं? तो जानकारी करने पर पता चला कि काशिमाबाद में एक गाँव है मुबारकपुर, वहाँ के रहने वाले हैं श्री कन्हैयालाल शर्मा जी। वो काबुल में एक मिली स्टील कंपनी में काम करते हैं और अब वो आना चाहते हैं। इस संबंध में उनके छोटे भाई हैं अजय शर्मा, उनसे मेरी बात हुई। वो आरपीएफ गोरखपुर में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि कन्हैयालाल शर्मा जी उनके बड़े भाई हैं और वो काबुल में स्टील कंपनी में काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया है, और वो आज की डेट में हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं। अभी फिलहाल कोई परेशानी उनको नहीं है, परेशानी मात्र इतना है कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी से बाहर नहीं जा पा रहे हैं और वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ऐसा अंगद जी ने मुझे बताया। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं और इस बारे में हम गवर्नमेंट को सूचित कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो अपने वतन अपने हिंदुस्तान आ जाए। अलीगढ़ जाते समय हरदोई पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मुसलमानों पर जहां शक हो वहां देश के लिए हानि है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई हो या कोई और अन्य परिस्थितियां, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है और उनकी देशभक्ति पर शंका नहीं करनी चाहिए, ये उनका सुझाव है। सपा या अन्य दल के साथ गठबंधन को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2 साल पहले उन्होंने नारा दिया था कि गैर भाजपाई दल उनके साथ मिलकर काम करें तो उनकी प्राथमिकता है, इसीलिए उनका आज भी यही कहना है कि उनकी प्राथमिकता में समाजवादी पार्टी ही है। और शहरों के नाम बदलने को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इस सरकार ने कोई नया काम नहीं किया है, जो निर्णय लिए गए हैं ना वो देश हित में है और ना जनता के हित में, इसीलिए हर तरह से प्रदेश और देश काफी पिछड़ चुका है क्योंकि देश और प्रदेश की सरकारें असफल हैं। बताते हैं कि शिवपाल सिंह यादव अलीगढ़ जा रहे थे और इसी दौरान संजीरा बॉर्डर से लेकर हरदोई तक उनका जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। क्या हमारी प्राथमिकता है? समाजवादी पार्टी। और फिर हमने 2 साल पहले एक नारा दिया था गैर भाजपा बार, मैंने कहा था कि सभी सेकुलर पार्टियाँ और एक समाज विचारधारा की पार्टियाँ एक हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी एक खुला, और जैसे हम सब लोग एक होते हैं ना वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को हटाने में कामयाब हो जाए। देखिए, जहाँ पर मुसलमानों पर शक किया जाएगा तो उतना ही देश के लिए हानि है, शक नहीं करना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई हो चाहे कोई परिस्थिति रही हो, मुसलमान हमेशा देशभक्त रहा है, तो मुसलमान की देशभक्ति पर शंका न की जाए। कानपुर में बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल सत्ता का नशा अभिजीत सिंह सांगा पर सर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी विधायक अभिजीत
सिंह सांगा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि किसी माई के लाल में दम हो तो ताजिए को दफना कर दिखाए। आपको बता दें कि अभिजीत सिंह सांगा कानपुर के बिठूर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। वहीं अब विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब इस पर सबसे बड़ा सवाल शासन और प्रशासन पर उठता है कि इस मामले पर क्यों चुप है आखिर प्रशासन, और अभी तक विधायक पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। तो बता दें कानपुर का ये मामला है जहां पर विधायक के सर पर सत्ता का नशा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने भड़काऊ बयान दिया है और कहा है कि किसी के भी माई के लाल में दम हो तो ताजी को दफना कर दिखाए। आपको बता दें कि अभिजीत सांगा कानपुर की बिठूर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं, और इस तरह से उनका बयान सामने आया है, एक बार फिर से भड़काऊ भाषण उनका सामने आया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार वो इसी तरह के बयानबाजी देते हुए नजर आए थे, लेकिन ऐसे में धर्म निरपेक्ष के तहत ये बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दिया है, और एक धर्म को लेकर बीजेपी के विधायक के बोल जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आए हैं, और साथ ही एक धर्म विशेष को लेकर ये बयान देना बेहद ही शर्मनाक है। और साथ ही आपको बता दें अब ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। कानपुर से ज्यादा जानकारी के लिए आशीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है इस तरह से अभिजीत सिंह सांगा ने जो विवादित बयान दिया है, अब तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई? ये पहले भी चर्चाओं में रहे हैं और इस बार भी ताजिए को लेकर जो बयान दिया गया है, यानी समुदाय विशेष के लिए जो बयान दिया गया है उसको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर चुनौती दी है कि ताजियों को दफना के दिखाएं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के विधायक जो है एक तरफा जो है वो राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि 2022 के चुनाव को लेकर इस बयान को देखा जाए तो भी शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि कानपुर में इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई रही है। जी आशीष, लेकिन जिस तरह से अभिजीत सांगा ने ये बयान दिया है ये कितना, क्योंकि देखिए ऐसे में विधानसभा चुनाव भी अब पास आने वाले हैं, और ऐसे में अगर किसी एक धर्म को लेकर ये बयान दिया जाए तो ये बेहद ही शर्मनाक है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो धर्म और जाति का मुद्दा जो है वो सबसे ज्यादा लाया जाता है सामने। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे इस तरह की बयानबाजी, इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो सामने आती रहेंगी, क्योंकि एक माहौल बनाने की तैयारी होती है, एक जो धर्म निरपेक्षता होता है उसको बाधित करने की तैयारी होती है। ये सारी तैयारियां मिलाकर जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो आगे बढ़ते हैं, और इसी के तहत इस बयान को भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभिजीत सिंह सांगा ने ताजियों को लेकर बयान दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक कानपुर पुलिस या कानपुर कमिश्नरेट प्रशासन जो है उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आशीष, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहना है इस वीडियो को, क्योंकि देखिए वीडियो काफी वायरल हो रहा है, ऐसे में जब बीजेपी के ही विधायक इस तरह का बयान देंगे तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है? जी बिल्कुल, देखिए पार्टी के जो संगठन के लोग हैं और जो यहाँ के जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं उनसे इस संबंध में चर्चा करने की बात की गई, लेकिन कोई भी पार्टी का नेता या पार्टी का कोई भी मंत्री इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। अभिजीत सिंह सांगा एक बड़ा नाम है, एक युवा विधायक है और इस बार भारी बहुमत से जीत कर आए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है समय चर्चा का विषय बना हुआ और एक धर्म विशेष की भावनाओं को लगातार ठेस पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल आशीष, और वीडियो भी जिस तरह से वायरल हो रहा है तो क्या प्रशासन के कोई अधिकारी इस पर कुछ बोले अभी तक, क्या कार्रवाई की बात की गई है कि कब तक की जाएगी? बिल्कुल, देखिए सत्ता दल के विधायक हैं अभिजीत सिंह सांगा, और इस बार को लेकर जब यहाँ पे जिला प्रशासन के लोगों से और जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर असीम अरू से बात की गई है तो वो इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि सत्ता पक्ष के विधायक के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने वाली है फिलहाल। जी
जी चलिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कानपुर का ये पूरा मामला है जहां पर बीजेपी के ही विधायक का ये विवादित बयान सामने आया है और धर्म और जाति को लेकर उन्होंने बयान दिया है, जिसके बाद बीजेपी के नेता भी इस पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि अब तक उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से भी इस पर चुप्पी ही साधी जा रही है और प्रशासन भी इस पूरे मामले पर कुछ बोलने से बच रहा है। हालांकि अभिजीत सिंह सांगा का ये वीडियो जो विवादित बयान उन्होंने दिया था वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल इस पर शासन और प्रशासन पर ही उठ रहा है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर विधायक पर कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है और पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। सुल्तानपुर के कूरे भार इलाके में रहने वाले एक्सीजो कंपनी के मालिक की एक 10 दिन पहले दिल्ली में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने संपत्ति के लालच में उसकी पत्नी और पार्टनर पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है और इसी के साथ ही शव को फ्रीजर में रखकर दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया है। परिजन 10 दिन से शव को फ्रीजर में रखकर न्याय की आस लगाए बैठे हैं और इसी संबंध में थाना अध्यक्ष श्रीराम पांडे ने भी बताया कि मामला संज्ञान में है और ऐसे में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। मैडम, यह दिल्ली में बच्चा रह रहा था, उसका अपना कारोबार था और वहीं पर साजिश के तहत उसके पार्टनर वाइफ और उसके साले और ससुर मिल के उसके साथ वारदात किया। महमूदाबाद में सड़क लगवाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद दबंग प्रधान पति ने ही पिता पुत्र को गोली मार दी और वहीं जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां पर दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। और ऐसे में बता दें ये पूरा विवाद सड़क बनवाने को लेकर हुआ था, जिसमें दबंग प्रधान पति ने पिता और पुत्र दोनों को गोली मार दी, जिसके बाद दोनों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है और दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया हुआ है, जहाँ पर दोनों का इलाज चल रहा है। हरियाणा खनन माफियाओं की तरफ से आईएसडीपी के नाम पर कम शुल्क और यूपी सरकार को देकर लगातार अवैध खनन सहारनपुर मंडल में लाकर बेचा जा रहा है, जिसके चलते शासन की तरफ से लखनऊ से संयुक्त निदेशक खनन के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम गठित की गई। वहीं इस टीम को सहारनपुर भी भेज दिया गया है, जिसके बाद टीम ने सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में हरियाणा से यूपी में आ रही कई खनन की गाड़ियों को रोककर चेकिंग की है और उसमें से 8 से ज्यादा गाड़ियों में अनियमितता पाए जाने के बाद उन पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। साथ ही बता दें कि संयुक्त निदेशक खनन डॉक्टर नवीन कुमार दास ने बताया कि अवैध खनन परिवहन को रोकने के लिए शासन से ही ये टीम गठित की गई है और जिले में जहां पर भी बॉर्डर के चेक पॉइंट्स हैं, सभी जगह पर चेकिंग लगातार की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।